हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 11 फरवरी मंगलवार का दिन है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे। आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे। आपके ग्रह गोचर आज आपके जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे, सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का दिन आपके लिए न ज्यादा अनुकूल है और न ही प्रतिकूल है, परंतु धन के मामलों में आप काफी भाग्यशाली रहेंगे और धन आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन में आपको तनावों से मुक्ति मिलेंगे। धर्म के प्रति आपकी आस्था जागृत होंगे। लव लाइफ में आपका कोई विरोध कर सकता है, आपको लव लाइफ में विरोध का सामना करना होगा। आज के दिन आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी नई योजना पर विचार कर सकोगे। कार्य क्षेत्र में आपका दिन काफी काफी अनुकूल लग रहा है। आज का दिन आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। व्यापार के सिलसिले में आप कोई यात्रा कर सकते हैं और आपको लाभ भी होंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशी भरे पल आएंगे। एक दूसरे से खुलकर बातें आपको करनी चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि यदि लव लाइफ की बात करें तो आप अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको महसूस होगा आपके वैल्यू काफी मिल रही है। आपको मेहनत काफी ज्यादा करनी होंगे। धन का निवेश करने के लिए आज का समय काफी उत्तम है। अगर आप व्यापारी वर्ग के लोगों को आज का दिन काफी उत्तम लग रहा है, आपको व्यापार में काफी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होंगे। व्यापार कारोबार के विस्तार के लिए आप किसी नई योजना को बना सकोगे। दाम्पत्य जीवन से लेकर कार्य क्षेत्र में आज आप काफी व्यस्त रहेंगे और अनेक ऐसी बातें होंगे जिसमें आपका ध्यान आकर्षित होगा। आप कई मोर्चों पर एक साथ चुनौतियों का सामना करने वाले एक दिन के अनुकूल साबित होंगे। लव लाइफ में आज का दिन सोच समझ कर रहने का है। आप अपने प्रियतम के साथ अच्छे से संवाद स्थापित करोगे। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों से आपको काफी उम्मीद लगी रहेंगे। सहयोगी आपकी मदद करेंगे। लोगों के बीच आप काफी चर्चे में रहोगे। आज स्थितियां संतान के प्रति दायित्वों को निभाने के लिए मजबूर कर रही हैं। आप अपने संतान की स्थितियों को निभाने के लिए उनके प्रति काफी आशावादी रहोगे। आज आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने या फिर कहीं लंबी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आज सुख में वृद्धि होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्यार बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में परिजनों के बीच गुच्छे की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आज आप अपने विरोधियों से सजग और सतर्क रहें। आपके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। आज आप किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आपको अपने प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। सोच समझ कर फैसला लें। आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और तरह तरह के नए नए योजनाओं को करने का मौका भी मिलेगा। अगर आप अभी तक बेरोजगार युवक हैं तो आपको रोजगार मिलने के पूरे पूरे उम्मीद नजर आ रही हैं। अगर आप अपने व्यापार, रोजगार या फिर अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी समय काफी शुभ है, परंतु आप अपनी आर्थिक स्थितियों को एक बार सोच समझ और सजग तरीके से निष्कर्ष अवश्य कर लें। आज कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यों को करने का मौका मिलेगा जिनसे आपकी आर्थिक स्थितियां काफी मजबूत रहेंगे। आप अपने साहस का परिचय देते हुए आप काम करेंगे। धन के मामलों में आपको सफलता मिलेंगे। आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। यात्राओं में सफलता मिलेंगे और मन को खुशी मिलेंगे। हालांकि बड़बोलापन आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसके अतिरिक्त परिवार में अपनों की चिंता लगी रहेंगे।
आज के दिन आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा या फिर अलंगल वाला फैसला ना करें। प्रेम संबंध में आपको सुख मिलेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ नया करने का मन कर सकोगे। दांपत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग आपको खुशी देगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां काफी अच्छी रहेंगे और आपको ज्यादा काम करने का मौका भी मिलेगा। आपके सहकर्मी आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग कर सकेंगे। आज आपके लिए मानसिक रूप से दबाव काफी कम होंगे। आज आप धन को एकत्रित कर सकोगे और पैसों से जुड़ी आर्थिक स्थितियां आपके दूर चली जाएंगे। आज के दिन आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेंगे। आप घर में सही समय और सुख समय को बिताने का मौका भी पा सकोगे। कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगे। आज शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा या फिर किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में भाग ले रहे हैं या फिर आप कोई सेलिब्रिटी के घर पर जा रहे हैं, उनसे आपको कुछ जानने सुनने और समझने का मौका मिलेगा। जो छात्र आज किसी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं उनको अपने मेहनत के अनुसार बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफी सफल रहेंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपको परिणाम उसी के अनुरूप उतने ही ज्यादा मिलेंगे। आपके लिए आज का दिन काफी बढ़िया है। आप अपने वाक्य क्षमता से अनेक कामों को बनाओगे और काम के सिलसिले में किए गए प्रयास सार्थक साबित होंगे। आपको उनका शुभ फल प्राप्त होगा। आज के दिन अगर आप उल्टा सीधा भोजन करोगे तो आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा है, इसलिए सोच समझकर आपको अपने खाने में उपयोगी वस्तुओं को और उपयोगी चीजों को सेवन करना चाहिए। आज आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने प्रियतम के साथ हर काम को कर सकोगे और आज का दिन आपके लिए कुछ नया और विशेष लेकर आ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी से अलग निकलकर आप कुछ अलग सोचने की प्लानिंग कर सकोगे। आज आप उत्तम भोजन का आनंद लोगे। आज पारिवारिक जीवन आपका बेहतर बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी काम को करके आपको यात्राएं करनी पड़ सकेंगे। दांपत्य जीवन में आपको थोड़े से तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए आमदनी से भरा रहेगा, लेकिन आप उन आमदनियों को खर्चों के अनुपात में किस प्रकार बांटना है ये भी आपको सीखना समझना और सोचना चाहिए। आमदनी के अनुपात में आप खर्च भी अवश्य करें। अगर आप वाहन सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी समय काफी शुभ है। आपको वाहन सुख की प्राप्ति होंगे। परिवार में आपको खुशियां मिलेंगे और प्रियतम का सहयोग मिलेगा, जिनसे कि आप नई और कभी विशेष योजनाओं को बनाने में सफल रहोगे। आपके लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में व्यवस्था को लाकर रहेगा। आज आप अपने काम को भगवान मानकर अपने कार्य को करें और ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम पर विशेष रूप से निभाने का प्रयास करें। आप सुख सुविधाओं को बढ़ाने में खर्च कर सकोगे और मानसिक रूप से तनाव से मुक्ति मिलेंगे। आपके बुद्धि विकसित होंगे। आप अपनी योजनाओं को आलाजमी बनाने में काफी सहायता प्रदान कर सकोगे। मित्रों, आप जिस भी कामों को करने का प्रयास करोगे उस कार्य में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली है। आपके सभी कार्य सही समय पर पूरे होंगे और तरह तरह की योजनाओं को बनाकर आप कार्य करना पसंद करोगे। आज परीक्षा में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी बड़े से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी समय काफी शुभ है। अगर आप आज के दिन किसी नए व्यापार व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं आप इस दिन कर सकते हो, क्योंकि आज का दिन कई शुभ योगों और कई शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको करवाने वाला होगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा फैसला और असंगत गुणों का सेवन न करें। जितना हो सके मदिरापान से आपको दूर रहने की जरूरत है। शराब का सेवन न करें। वाहन सावधानी पूर्वक आपको चलाने की जरूरत है। आज के दिन आप अपने वाणी के बलबूते लोगों का दिल जीत सकोगे। जो लोग साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी बड़े से स्टेज में अपनी कला दिखाने का और प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा।
आप अपने नाम को उजागर कर सकोगे। लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत शोहरत और काफी रुतबे वाले इंसान के रूप में जाने जा सकोगे। आज का दिन यात्राओं के लिए परिचेप रहने वाला है, लेकिन आपको थकान शाम तक महसूस हो सकती है, जिनसे आप थोड़े व्याकुल या फिर परेशान हो सकते हैं। इस समय आप अपने आप को समझाने का प्रयास करें और किसी के बहकावे में आकर आप कोई भी बड़ा फैसला ना करें। आज वाहन खरीद सकते हैं, आज निवेश भी कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगल का।